with the bandage on her head is Aishe Ghosh. We have seen her on our television screens. She is doing an MPhil in Inner Asian Studies from the School of International Studies at Jawaharlal Nehru University. And she's the president of the JNU Students Union. Please, a long round of applause for Aishe. सबसे पहले तो मुंबई कलेक्टिव को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें इस काबिल समझे कि हम लोग आके यहाँ पे अपना बात रख पाए. और ये चीज़ मैं बार बार जहाँ पे भी जा रही हूँ बोल रही हूँ कि आज हम लोग यहाँ से प्रेरणा अपने तरफ से देने नहीं, प्रेरणा लेने आए हैं. क्योंकि जब हम सॉलिडारिटी कहीं पे देने जाते हैं और अपना बात रखने जाते हैं, वहाँ से सॉलिडारिटी भी लेने आते हैं. एग्जैक्टली जैसे पिछले सेशन में सुशांत सर बोल रहे थे कि दीज आर द वेज कि हम लोग खुद को फिर से रिचार्ज कर रहे हैं कि अभी आंदोलन में जाना है, यहाँ से रिचार्ज होते जाएंगे और इस पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे कि आज मेरे साथ डेमोक्रेसी को समझने के लिए सेक्युलरिज्म की लड़ाई में तमाम सारे और साथी मेरे सामने बैठे हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ इस लड़ाई में आप अकेले, जो यहाँ पे वक्ता है वो आप अकेले नहीं है, हम भी आपके लड़ाई में आपके साथ है. तो ये चीज जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन आज जब मैं मुंबई आई हूँ, ये मेरा पहला सफ़र है मुंबई में, तो मैं ये चीज़ को बार बार बताना चाहूँगी कि फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इस चीज़ को हम लोग नहीं भूल सकते. क्योंकि आज महिला होके अगर मैं यहाँ पर आके अपना बात रख पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसका नज़रअंदाज नहीं कर सकते. और इसीलिए बोलना चाहूँगी कि जब जब लड़ाई हुई है, जब जब स्ट्रक्चर्स को सोसाइटी में चेंज किया गया है, तो महिलाएं उठे हैं और महिलाएं आज भी उठ रहे हैं. और इसलिए इसको सरप्राइजिंग तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल लड़ा गया था तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले लिया गया था. और आज भी जब फासिज्म की लड़ाई लड़ी जा रही है तो इन महिलाओं के नाम लिया जा रहा है. और मैं पूरा यकीन के साथ कह रही हूँ कि जब फांसीवाद को हम नीचे गिराएंगे तो महिलाओं के नाम, जो शाहीन बाग में महिलाएं हैं, हौज रानी में महिलाएं हैं, खुरेजी में महिलाएं हैं, मुंबई में मुझे पता चला है यहाँ पे भी जिस तरीके से महिलाएं आंदोलन को आगे ले जा रहे, इन तमाम सारे महिलाओं के नाम आगे लेके हम लोग जाएंगे और इतिहास जब रची जाएगी, इतिहास जब लिखी जाएगी तो इन सब तमाम महिलाओं की नाम लिखी जाएगी. उसमें सिर्फ एक ऐशी घोष का नाम नहीं होगा. और आज अगर ऐशी घोष की तरह यहाँ पे है, तमाम सारे महिलाएं जेएनयू में है जो लड़ रहे हैं लड़ाई जो आज ऐशी घोष को यहाँ पे सामने खड़ा की है. तो मैं उनको शुक्रिया किए बगैर इस लड़ाई को यहाँ पे या अपना बात को नहीं शुरू कर सकती. मेरे आगे आए हुए वक्ता काफ़ी सारे बात को डिटेल में रखे हैं तो मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, लेकिन एक बात को जरूर कहूंगी कि फासिज्म और कुछ चीज़ें हम लोग इवन जब छात्र आंदोलन में है, पिछले 4 साल से मैं जेएनयू में हूँ और पिछले 7 साल से मैं दिल्ली में रहती हूँ, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो हम लोग कभी बोलते थे कि एक दौर आएगा जब संविधान को बदल दिया जाएगा. लेकिन आज वो दौर आ चुका है कि संविधान को बदल दिया जा रहा है हर दिन और हम लोग उसकी लड़ाई में आ चुके. अगर आज भी हम लोग सोचेंगे कि चुप रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा दौर आएगा कि जब हमारे पास और कोई फोरम या और कोई प्लेटफॉर्म बचेगा जब हम उस लड़ाई को नए तौर से शुरू करेंगे. क्योंकि हम उस लड़ाई को जी रहे हैं आज. जब कश्मीर में 5 अगस्त को पहली बार जब वो कश्मीर में अटैक किया गया, वो पहला था अटैक जब संविधान पर अटैक किया गया, अगर तब हम चुप नहीं रहते तो आज शायद ये दिन नहीं आता. ये इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा. आज 180 दिन के ऊपर की लड़ाई है. कश्मीर में किस तरीके से कम्युनिकेशन को ब्लैक डाउन किया गया था, ब्लैकआउट किया गया था, और आज भी किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में वहीं के यूथ को दबा दिया जा रहा है. इसीलिए अगर आरएसएस और जो फंक्शन कर रहे हैं बीजेपी के थ्रू, यहाँ पे पॉलिटिकल फोर्स के थ्रू हमारे सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए, अगर वो सोच रहे हैं कि इस देश का जो जनता है वो नहीं उठेंगे, स्पेसिफिकली जो युवा है, जो स्टूडेंट से हम लोग नहीं बोलेंगे, तो ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं. क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास सीखना. और जब आज इस टॉपिक में मैं बात कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स एज वैनगार्ड, तो मैं ये बात जरूर बताना चाहती हूँ, हमें छोटे से सिखाया जाता है कि अच्छा स्टूडेंट होना क्या होता है. अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से मैं उनको बताना चाहूंगी कि अच्छा स्टूडेंट होना मतलब 99 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 100 लाना नहीं है. अच्छा स्टूडेंट होना मतलब उस
उस चीज को समझ के अगर सिविक्स में हम लोग डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है सोसाइटी में। और आज मैं गर्व के साथ बोलना चाहूंगी कि आज के दौरान के स्टूडेंट्स वही कर रहे हैं। आपके सामने ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में या अपने क्लासरूम्स में इंग्लिश में लिटरेचर में सिर्फ डिसेंट को नहीं पढ़ रहे, डिसेंट को समझ रहे हैं और डिसेंट दे रहे हैं इस गवर्नमेंट को। जीता जाता सबूत है ये आपके सामने, ये सक्सेस जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग रट ले चीजें। स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हिस्ट्री बुक्स में पलट के देख ले कि हाँ हिटलर ने जर्मनी में ये किया था। शिक्षा और स्टूडेंट वो होता है जो वो चीजों को समझ के अपने देश में उसका सिमिलैरिटीज ढूंढ पाए और बोले यही है हिटलर के साथ सिमिलैरिटीज। और इसीलिए फासिज्म को आने से हमें रोकना है, क्योंकि हिटलर ने जो जर्मनी में किया था वो हम मोदी को इंडिया में नहीं करने देंगे, यही उसका सिमिलैरिटी है। और उस चीज को होने से रोकने से पहले हम एज यूथ एज शिक्षित वर्ग हमें आगे उतर के इस मैदान में लड़ना है, तभी उस स्टूडेंट्स का काम है। क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स वैनगार्ड में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कट्टा लेके सामने खड़े होके बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसीलिए कौन सा स्टूडेंट हमें इस देश में चाहिए इसका तय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जो रोहित बोमिला जैसे हो। और मैं क्यों बोल रही हूँ बात, एक दुखद बात है कि हमारे सिस्टम ने गला घोट के रोहित बोमिला को मार दिया, लेकिन एक इंस्पिरेशन है जो रोहित बोमिला जैसे स्टूडेंट ने खड़े होके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आंखों से आंख मिला के बोला था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी एंड दैट इज नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रियलिटी इन आवर सोसाइटी। जब इस्लामोफोबिक सिस्टम के वजह से फातिमा लतीफ का जान ले लिया जाता है तो दीज आर द स्टूडेंट्स हु कीप आई इन द पावर आई इन द सोसाइटी एंड से कि इस्लामोफोबिक सोसाइटी है हमारा जिसके वजह से आपने गला घोट के फातिमा लतीफ को मार दिया। एंड दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन आवर कंट्री एंड इन आवर सोसाइटी। मैं एक चीज बताना चाहूंगी स्पेसिफिकली जेएनयू से, 2016 में ये वाइस चांसलर जिसको आप लोग की काफी टीवी में देखते होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स देते होंगे, तो ये आए थे आईआईटी से। 2016 की जनवरी की महीने थी और 9 फरवरी काफी फेमस है पूरे देश में। मतलब आज ऐसा हालत हो गया है कि देशद्रोह को इतना बार रिपीट कर दिया गया कि देशद्रोह का मतलब चेंज हो गया इस देश में। आज आपके सामने से अनुराग ठाकुर आके बोल जाएगा कि गोली मार दो वो देशद्रोह नहीं होगा, आपके सामने से कोई आएगा आपको गोली मार के चला जाएगा वो देशद्रोह नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कोई डिसेंट करेगा कैंपस में जो एक दलित का बच्चा अगर बोल देगा कि मुझे शिक्षा चाहिए क्योंकि कास्ट ऑपरेशन हो रहा है तो उसके कास्ट पे क्वेश्चन हो जाएगा, वो देशद्रोह हो जाएगा। ये हमारी सोसाइटी है। तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। और 2016 में एग्जैक्टली यही हुआ था रोहित बोमिला के साथ और उसके बाद जेएनयू में कि हमारे वाइस चांसलर आके यूनिवर्सिटी को शट डाउन करने की कोशिश की। और मैं यहां से बताना चाहूंगी कि जेएनयू इज नॉट it's not a thing that not a world, there are several number of universities which are protesting today aur usko realize karne ki bahut zyada zarurat hai। exactly government chahta hai, RSS chahta hai ki aap JNU Jamia aur AMU ke naam pe baki sare cheezo ko delegitimize kar do unke naam pe, wahi hame break karna hai। हम सीकर में लड़ते हुए छात्रों को नहीं भूल सकते। एग्जैक्टली जैसे अभिषेक ने बोला, उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज जो रमेश पोखरियाल का कॉलेज है वहां पे जब फी हाइक के लिए आंदोलन कर रहे थे 90 दिन से ऊपर भूख हड़ताल चल रही, उसको नहीं भूल सकते। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब किस हैदराबाद में जिस तरीके से आंदोलन लड़ा जा रहा है, किस मुंबई में आंदोलन लड़ा जा रहा है, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो आसाम में कॉटन कॉलेज में जिस तरीके से छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको नहीं भूल सकते। वो हमारी लड़ाई की पाठ है, वो हमारी सॉलिडरिटी है। और एग्जैक्टली एक पर एक अटैक हमारी यूनिवर्सिटी में किया गया और मैंने उसको अपने सामने से देखा है। आज मैं यहाँ पे कोई स्पीच प्रिपेयर करके और डिलीवर देने के लिए मैं कुछ बातें ऐसे अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि 4 साल में जेएनयू में अभी तक रही हूँ और 2016 में ही आई थी। सबसे पहले जिस तरीके से अटैक किया गया, हमारी एक छात्रा का नाम आपने सुना ही होगा नजीब, उसको कैंपस के अंदर एबीवीपी के गुंडे पीट के गायब कर दिए। और अगर तब हम लोग
देते ना कि इस्लामोफोबिया है हमारे सिस्टम में, शायद आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि मुझे आज दुख हो रही है, कभी कभार जब खुशी भी होती है, उजाला दिखता है, कभी कभार दुख भी होती है इस बात पे कि नजीब की लड़ाई वो अकेली नजीब की लड़ाई नहीं थी, वो हर एक उस मुसलमान छात्र की लड़ाई थी जो कैंपसेस में मारे जा रहे थे। तब जेएनयू ने बोला था उठ के कि ये जो आरएसएस और बीजेपी है और ये जो वाइस चांसलर है, ये है इस्लामोफोबिक, ये आरएसएस के एजेंडा को कैंपसेस में लाना चाहता है। और उसके बाद तमाम सारे इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी हैपेंड। और इसीलिए मेरा अपील है एज अ यूथ कि और लेट हम नहीं कर सकते। हम तमाम सारे नजीब को गायब होते नहीं देख सकते, हम तमाम सारे रोहित बेमुला को मरते हुए नहीं देख सकते और फातिमा लतीफ को मारते हुए अपना जान लेते हुए नहीं देख सकते। हमें क्यों वेट करना पड़ता है कि ओइशी घोष को एक आयरन रॉड से मारा जाएगा तभी जाके हमारा रेज होगा। मैं ये इस चीज को आज यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, लेकिन मैं इस देश को बताना चाहूंगी कि लोगों स्टूडेंट्स को अब यहाँ तक मत छोड़िए कि वो मर जाए तब हम आवाज उठाएंगे। स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं और तब जब हम लड़ रहे हैं हम यही आशा रखते हैं कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल राइज एंड वी विल फाइट इट टुगेदर। क्योंकि हमें भी पता है ये लड़ाई अकेले स्टूडेंट्स का नहीं है और हम अकेले लड़के इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई थी स्टूडेंट्स वेर देयर इन द फोरफ्रंट, लेकिन सारे वर्ग से वो लड़ाई को लड़ी गई थी और उसी के बाद ही जीती गई थी। और इसीलिए जेएनयू में जब हम लोग पहले इस बार बैठे और फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहे थे, और जेएनयू कोई एक दीवार और एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, जेएनयू एक सोच है, जेएनयू एक आजाद भारत का सोच है। और मैं ये गर्व से बोलती हूँ क्योंकि जेएनयू ने 1970 में सोचा था, जब कोई रिजर्वेशन नहीं था किसी यूनिवर्सिटी स्पेस में कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स आपको देना होगा, जो पिछले तबके से लोग आते हैं, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, महिलाएं आते हैं, जेएनयू ने यह सोचा था कि जब 1980 में कोई यूनिवर्सिटी में, ये बोलना चाहूंगी यहां से, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सोच सकता कि जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट महिला होंगी। रश्मि दोराईस्वामी का नाम लेना चाहूंगी कि वो हमारा पहला महिला प्रेसिडेंट थे 1980s में, दैट वाज जेएनयू। जब कोई जगह सोच नहीं सकता कि कितने दलित स्टूडेंट यूनियन में रहेंगे, बत्तीलाल बेहरा का नाम लेना चाहूंगी, वो दलित प्रेसिडेंट थे। दिस इज व्हाट जेएनयू इज, और उसकी आइडिया को आज खत्म करने की कोशिश है, उसकी आइडिया के अगेंस्ट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जेएनयू एकदम बेस्ट है, उसको बेहतर करना था, लेकिन जितना भी था उसको भी आज को खा गए हैं, क्योंकि उन्हें उस आइडिया से डर है। उन्हें डर है कि पढ़ लिख के जो लोग पिछड़े तबके से आते हैं, जो महिला है, आवाज उठाने लग जाएंगे तो ओइशी जैसे महिलाएं होंगे। जामिया में जो मुस्लिम औरतें हैं वो अगर पढ़ लिख लेंगे आफ्रा जैसे महिलाएं होंगे। उन्हें डर है इससे कि टिस में, एक जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है, वहां पे अगर फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ाई हो तो आयशा कादिर जैसे महिला उसको लीड कर रही होगी। उन्हें डर है इस चीज से कि पिछले तबके के लोग जो पढ़ लेंगे वो प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हम एक स्ट्रगल से आ रहे हैं, महिलाओं को जेनरेशन से पढ़ाई से दूर रखी गई है, और उस स्ट्रगल को और उस डिस्क्रिमिनेशन को हम जानते हैं। इसलिए एक महिला होने के नाते जब हम लोग आएंगे तो जरूर बोलेंगे कि हर महिला के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि उनको ये अवसर नहीं मिल पाता है इतना आसानी से कि आज वो एमफिल पीएचडी कर पाए। तो इसीलिए ये सरकार डरता है कि जो पिछले तबके के लोग हैं अगर वो पढ़ लिख लेंगे, वो अगर सरकार में सरकारी नौकरी करेंगे तो वो सिस्टम को चेंज करेंगे, और सत्ता को इसी चीज से डर है। क्योंकि आप देखिए एक रिसेंट रिपोर्ट क्या कहता है कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो मैक्सिमम इस देश का रिसोर्सेज है लेके बैठे हुए हैं। व्हाट वी बिलीव अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ सोसाइटी व्हिच इज इगैलिटेरियन, व्हिच इज इक्वल। इसीलिए आज ये लड़ाई बहुत जरूरी है कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो दलित और ट्राइबल से छीना जा रहा है, और उस पे राज कौन कर रहा है, मोदी और अमित शाह। इधर अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का हेड बनेगा और दूसरे बेटे को धर्म के नाम पे वो भड़का के गोली चलवाएंगे। ये है रियलिटी आज हमारे समाज का। आप देखिए मोदी क्या बोलता है कि मैं चाय वाला था। ठीक है, आप चाय वाला थे, आपका स्ट्रगल काफी था, लेकिन आप
रहे हैं जिसके वजह से कई करोड़ों चाय वाला मर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए, एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से याद है, कभी कभार अगर बात होता था कि मिनिस्टर कोई क्रिमिनल एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग इस तरीके से डिस्कशन करते थे कि ओ ये वाला मिनिस्टर क्रिमिनल एक्ट के साथ जुड़ा है। आज वो नॉर्मल सी है, आपके कैबिनेट में क्रिमिनल्स ही भरे हुए हैं, ये रियलिटी है। आपके मिनिस्टर्स आपको सामने आके बोल रहे हैं कि गोली मारेंगे। और एक चीज मैंने एक पेज में रिसेंटली देखा और जिस चीज से मुझे डर है, और इस बात को मैं लास्टली कहना चाहूंगी कि एक छोटी सी बच्ची शायद 7-8 उम्र साल की होगी, वो एक पोएम बोल रही है ऑडियंस को कि कश्मीर में रहते हैं और खाते हिंदुस्तान के, ये जहर घोला गया है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि वी आर स्टूडेंट्स आर वैनगार्ड्स, बट वी आर दो स्टूडेंट्स विच आर स्टैंडिंग बाय द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, fraternity. We don't want any kind of discrimination that happens to any student coming from any caste, religion, gender. और वहीं पे हमारी लड़ाई है आज society को egalitarian बनाने का। हम students आगे रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हर एक समाज के हर एक तबके को आज आगे आना होगा, और तभी इस fascist तबकों से हम लड़ पाएंगे। और मैं ये clearly बताना चाहूंगी कि हम स्टूडेंट्स डरते नहीं है गोली और लाठी से। उन्होंने सोचा था कि हमें मार के वो लोग जेएनयू में फीस वृद्धि का लड़ाई को बंद कर देंगे। मैं आज भी यहीं पे मुंबई शहर में खड़ी हूँ। वो मेरे आइडियाज को नहीं मार पाएंगे। और कॉमरेड चे ने जैसे बोला था कि वो एक आदमी को तो मार ही लेंगे, लेकिन उनके आइडियाज को मार नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली, कॉमरेड भगत सिंह को तो फांसी में चढ़ा दिए, लेकिन आज 2020 में भी खड़े होकर गर्व होता है जब हम लोग बोलते हैं कि हम भगत सिंह के औलाद हैं, उनका खून बहता है हमारे रगों में। क्योंकि हमारे समाज में दो तरीके के आइडियाज के बीच एक लड़ाई है, और इस चीज को क्लियरली हमें समझना पड़ेगा, पड़कना पड़ेगा। और अभी जैसे कॉमरेड अभिषेक ने बोला कि हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और वक्त ज्यादा जाया करने के लिए नहीं है। हमें जहां जहां सॉलिडरिटीज हम लोग दे सकते हैं हमें देना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस। क्योंकि आज डिफरेंस जताने के लिए और बताने के लिए भी वो प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। दिस इज द सैड रियलिटी हमारे देश में। एक टाइम पे हम लोग डिबेट और डिसेंट को जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में भी खुले आम और खुले तौर पे सेलिब्रेट करते थे, आज उस डिसेंट में भी क्वेश्चन है। अगर आप गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी या बजट को आज क्वेश्चन कर देते हो तो आपको सिडिशन के अंडर बुक कर देगा। अगर कोई पूछ लेता है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्यों ऐसा हुआ, अगर कोई पूछ ले रहा है CA NRC और NPR को क्यों लाया जा रहा है, तो उसको जेल में डाल दे रहे हैं। तो आज डिबेट और डिसेंट का प्लेटफॉर्म ही इन्होंने खत्म कर दिया है। तो इसीलिए यही बताना चाहूंगी कि एज स्टूडेंट्स हम अपना जितना पॉसिबल है हम अपना लड़ाई को आगे ले जाएंगे, लेकिन ये जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है जो हमारे सोसाइटी के अंदर अकड़ चुके हैं, इसको हमें लड़ के हटाना है। और तभी हटा पाएंगे जब इस फासिस्ट तत्वों को हम लोग यूनाइटेड तरीके से लड़ के हटाएंगे। और मैं अपना बात खत्म करने से पहले दो लाइन बताना चाहूंगी टू मुंबई कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शुक्रिया। ऐशे घोष, इसी आवाज से जेएनयू के VC को भी डरा दिया है।